जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चकाहेटी की सरपंच श्रीमती मैनाबाई को पद से पृथक कर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि को सरपंच पद की जिम्मेदारी दिए जाने की मांग की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य चम्बूलाल उइके सहित पंचायत के उप सरपंच प्रतिनिधि एवं पंचों ने यह मांग की है। इन सभी का कहना है कि सरपंच विगत 2 वर्षों से अस्वस्थ हैं, जिस कारण से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच पुत्र राधेश्याम अपनी मनमानी कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बीते 2 सालों से पंचायत में बैठक का आयोजन नहीं किया गया। गाँव में होने वाले किसी भी तरीके के कार्य में सरपंच पुत्र की मनमानी देखने को मिल रही है। गांव में होने वाले इक्का दुक्का निर्माण कार्य में सरपंच पुत्र भारी भ्रष्टाचार कर रहा है। सरपंच की फर्जी हस्ताक्षर करवाकर बिल वाउचर की राशि आहरण की जा रही है। दरअसल सरपंच के अस्वस्थ होने के चलते 1.5 साल पहले जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच करते हुए गांव के उप सरपंच को सरपंच का पदभार दे दिया था, जिसके बाद 6 माह तक उप सरपंच ने भली भांति ग्राम पंचायत में सभी जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन 6 माह बाद सरपंच पुत्र ने अपने राजनीतिक पहुंच के चलते फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए अपनी माता को पदभार वापस दिलवा दिया। हालांकि इसके बाद फिर ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने सरपंच के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत में शिकायत की, जिसकी कटंगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जाँच कर प्रतिवेदन जिला पंचायत को भिजवा दिया, परंतु आज तक सरपंच को पद से नहीं हटाया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कटंगी से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर पहुंचे जनपद पंचायत? समस्या ये थी कि भाई हमारे पास में हमारे ग्राम चाका एक हमारा ग्राम पंचायत है और वहाँ के पंचन सरपंच लोग आए थे, ग्राम पंचायत सरपंच के शिकायत नहीं थे। शिकायत हमारे करीबन 1 माह पहले नहीं किए थे। सरपंच हमारे यहाँ जो महीना भाई मंगेकर थी है वो बीमारी पूर्व 1 वर्ष 1.5 वर्ष की वजह से बीमार अवस्था में ब्रेन हेमरेज में हुआ था, जिसका प्रभाव 6 महीने हमारे सरपंच जी को मिला था। उसके बाद में झूठे कागजात सरपंच पुत्र मल्लेकर राधेश्याम मल्लेकर द्वारा बनाकर पुनः अपना पद वापस लिया और अभी कोरोना महामारी के इसमें जो ग्राम की जनता को राहत दिलाना चाहिए, रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, उसमें ग्राम की जनता अब नहीं मिल रहा है और सरपंच मैनाबाई मल्लेकर अनफिट है और उसका पुत्र पूरे कार्य संभालता है और वो बोल सकती न चल सकती न कोई कार्य में कर सकती। इस स्थिति में हमारे ग्राम पंचायत के पंचगण सब आकर के अपनी समस्या हमको से अवगत कराया। हम भी उसी गांव के रहने वाले हैं। एक डेढ़ वर्ष पूर्व से सरपंच किसी कार्य में हमें नजर नहीं आई है। इस स्थिति में जो शासन द्वारा शासन के निर्देश के द्वारा ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है, इसमें ग्राम के पंचगण हो या कोई सामान्य सक्षम व्यक्ति को इसका पदभार दे और ग्राम की जनता को विशेष लाभ दे। आपको ऐसा लगता है कि चकाहेटी की पंचायत हमारी 7-8 ग्राम की पंचायत है और पूरे टोलों में पूरे ग्रामों में सुचारू ढंग से जनता को लाभ मिले, जिसमें 1500 जागधारी है और अभी विगत 2-3 ग्राम में
रोजगार गारंटी के कार्य चल रहे हैं, जिसमें माने 100-150 मजदूर काम कर रहे हैं, बाकी सब बेरोजगार है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसमें उचित कार्रवाई कर इसे हटाए और हमारी ग्राम की जनता को इसका लाभ दे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। शाकिर जी, आज क्यों आए हैं आप ग्राम पंचायत जनपद पंचायत? जनपद पंचायत में जनपद सदस्य पति पंचगण और जिला पंचायत की अपनी ग्राम पंचायत चाकाहेटी के ग्राम प्रधान के संबंध में कुछ स्त्री अधिकारियों से वार्तालाप करने प्रस्तुत हुई थी। क्या शिकायत लेकर के आए हैं? शिकायत यह है, ग्राम पंचायत चाकाहेटी की सरपंच महोदया श्री मैनाबाई मंडलेकर 2017 में ब्रेन हेमरेज ब्रेन लकवा से ग्रसित थी, जिसमें 6 माह के लिए उप सरपंच को चार्ज दिया गया, जिनने अपना कार्य सुचारू रूप से किया। वर्तमान में अपनी राजनीतिक रसूख और उच्च स्तरीय अधिकारियों की मिलीभगत से उसको प्रभार ले लिया गया और सरपंच का लड़का ही ग्राम पंचायत के कार्यों को संचालित कर रहा है, जिसका चुने हुए जनप्रतिनिधि पंच बीडीसी जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य द्वारा और ग्रामीण जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है। अधिकारियों शिकायत की, क्या कहा उन्होंने? जनपद स्तर के अधिकारियों ने अपना स्पष्टीकरण जवाब जिला पंचायत को दे दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ताओं के पक्ष में जितने भी बिंदु थे उल्लेख किए गए हैं और मैनाबाई मंडलेकर द्वारा जो अपना जवाब प्रस्तुत किया है, जो संदेह के घेरे में है। विगत 1 वर्ष पूर्व मैनाबाई मंडलेकर की रतिराम सहारे द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें डॉक्टर पंकज दुबे मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसकी एज को 79 वर्ष माने प्रमाणित किया गया था और वर्तमान में जवाब दिया गया है जिसमें उसकी एज 72 वर्ष है। यह भी एक संदेह के घेरे में आता है। दूसरा, पंच बीडीसी जिला पंचायत ने जो शिकायत करी है, जिसमें ग्राम पंचायत का पदेन सचिव हेलेन भारती द्वारा स्पष्टीकरण बयान दिया गया है कि ग्राम प्रधान कार्य करने में सक्षम है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक गांव के नागरिक होने के नाते चाहते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में ही एक ग्राम प्रधान की भूमिका निभाए, जिससे ग्राम पंचायत चाकाहेटी का कार्य विकास सुचारू रूप से चल सके। बरवे जी, क्या समस्या है चाकाहेटी पंचायत की? समस्या ये सर कि सरपंच बीमार है और सुचारू रूप से रोजगार गारंटी के कामों को नहीं देख पा रही है। कब से है यह समस्या? ये समस्या तो सर 2 साल पहले से बीमार है। तो अब तक उस पंचायत के काम कौन देख रहा है? पंचायत के काम वो उसके पुत्र के द्वारा देखे जा रहे हैं और सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। अच्छा, तो जो शासकीय बिल निकलते हैं वो कौन निकाल रहा है? उसका लड़का फर्जी साइन करके निकालता है, राजेश्याम मंडलेकर। तो आपने अधिकारियों से शिकायत की इस संबंध में? इसके संबंध में 2-3 बार शिकायत कर दी गई है, जिससे कि वो राजनीति दबाव से, हम लोग गरीब पड़ते हैं इसलिए राजनीति दबाव से वो सब अपना ले दे करके बराबर कर लेता है। अभी ग्राम पंचायत में कैसे किस प्रकार कार्य चल रहा है? वहाँ 2-3 मीनाक्षी तालाब चालू है, जिसमें हमारी पंचायत में 8 टोले हैं, जिसमें 100-150 लोगों को काम मिल रहा है, बाकी 1500 जॉब कार्ड है, जिसमें 700-800 मजदूर बेरोजगार है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? जिसे अभी प्रधान का पद दिया गया शासन के द्वारा, उसको हटाकर कोई एक पंच को दे दिया जाए, या गांव का कोई अच्छे नागरिक को दे दिया जाए, या तो फिर जनपद के अधिकारी उनको चलाए, या रोजगार सहायक चलाए, या सचिव चलाए। पर वो अभी की परिस्थिति में वो सरपंच या ग्राम प्रधान के कार्य को नहीं देख पा रही है। मैंने 1-1.5 साल से अभी तक उसको ग्राम के रोजगार के कामों में देखा नहीं।